हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ ज्योग्राफी यानी भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 18 क्वेश्चन हैं, जो कि आने वाले एग्जाम से रेलवे, आरपीएफ ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। 33 नंबर क्वेश्चन है। और इसके अलावा दोस्तों, अब मैं एक अनएकेडमी पर भी एजुकेटर हूं, तो अनएकेडमी का जो लर्निंग ऐप है आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उसमें मेरा चैनल स्टडी और टारगेट सर्च कर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। 33 नंबर क्वेश्चन है, रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण होता है तो कहाँ पर होता है? तो यूएसए। ठीक, यूएसए में जो है रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो किसे जो है संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा। ठीक, क्यूबा को जो है संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रसिद्ध करीबा बांध स्थित है तो किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी। ठीक, जाम्बेजी नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। कौन है? कन्याकुमारी है, जो कि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है, तो सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है? तो 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। कौन है? 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, मनार की खाड़ी स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु के पूर्व। ठीक, तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की सर्वोच्च चोटी केटू किस श्रेणी में स्थित है? तो कौन से श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम। ठीक, काराकोरम श्रेणी में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मीनिकाय द्वीप समूह कहा जाता है? तो किसे जो है मीनिकाय द्वीप समूह कहा जाता है? तो दक्षिणी। ठीक, दक्षिणी भाग को जो है मीनिकाय द्वीप समूह कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र। ठीक, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा। ठीक, नर्मदा नदी बहती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो कौन से क्षेत्र में जो है सबसे पहले पहुंचता है? तो पश्चिमी घाट। ठीक, पश्चिमी घाट पर जो है सबसे पहले पहुंचता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है? तो कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर जो है इसमें दरारें पड़ जाती है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सी मिट्टी की अधिक जलधारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो किस मिट्टी को जो है सिंचाई की आवश्यकता सबसे कम होती है? तो काली मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी को जो है सिंचाई की आवश्यकता सबसे कम होती है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? तो कौन से फसल की बीमारी है? तो टमाटर। ठीक, टमाटर
फसल की बीमारी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है, तो किस बीमारी से जो है अधिक ग्रस्त होती है, तो रेड रॉट, ठीक है, रेड रॉट से जो है अधिक ग्रस्त होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है, तो कौन से फसल को जो है हानि पहुंचाने वाली बीमारी है, तो कपास, ठीक, कपास को जो है हानि पहुंचाने वाली बीमारी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है, कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो कौन सी फसल जो है सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो चावल, ठीक, चावल जो है सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है, तो किस फसल को जो है सबसे अधिक प्रभावित करती है, तो बाजरा, ठीक, बाजरा को जो है सबसे अधिक प्रभावित करती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन है, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो छह आपके यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।